नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, देवशयनी एकादशी आने वाली है, तो मैं आज आप लोगों को देवशयनी एकादशी पर तुलसी से जुड़े कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताऊंगी, जिसे अपनाकर आप अपने घर से दुख दारिद्रता दूर कर सकते हैं और आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ये सभी चीजों को जानने के लिए आप लोग अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, इस बार देवशयनी एकादशी 29 जून को मनाई जाएगी। कहते हैं कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी के दिन तुलसी का प्रयोग करना बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले है भोग में तुलसी का प्रयोग। दोस्तों, एकादशी के भोग, पंजीरी और चरणामृत में तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दूसरा है तुलसी जी की परिक्रमा। दोस्तों, इस दिन घी का दीपक जलाकर तुलसी जी के पास जरूर रखें और 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। इससे घर में सुख शांति आती है। तीसरा नियम है तुलसी जी को लाल चुनरी चढ़ाएं। दोस्तों, तुलसी माता को लाल चुनरी जरूर चढ़ाएं। इससे नवविवाहित या दाम्पत्य जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। और चौथा नियम है दीपक जलाने का। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में दीपक जरूर जलाएं और तुलसी जी की पूजा जरूर करें। और पांचवा नियम है मंत्र का जाप करना। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन स्नान आदि करने के बाद ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।